हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेजर के थ्रू डिस्काउंट लगाना सीखेंगे। डिस्काउंट लगाना कोई नई बात नहीं है, डिस्काउंट ऑप्शन आप चालू कर सकते हैं टैली आरपी 9 में जाकर के, और वहां से परसेंट वाइज डिस्काउंट लगा भी सकते हैं। लेकिन हम खुद से लेजर लगाएंगे और देखेंगे कि उसको किस ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट या तो इनडायरेक्ट इनकम होती है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, दोनों हो सकता है। अभी हमें क्या करना है, जो हमने आइटम वाइज जो जीएसटी लगाया है, हर आइटम पर अलग अलग हमें जीएसटी खुद से डालना पड़ता है, उसको हम पहले क्लोज करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं पार्टी अकाउंट नेम पर हमारा कर्सर है, यहां से आपको F12 की प्रेस करनी है, ठीक है। यहां पर कर्सर को रखिए और यहां से प्रेस कीजिए F12 की। जैसे ही प्रेस करेंगे परचेज इनवॉइस स्टैंडर्ड कॉन्फिगरेशन की ये विंडो ओपन हो जाएगी और यहां पर अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स फॉर जीएसटी, ये यस है, इसको हम कर देंगे नो, कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब वो ऑप्शन ऑफ हो गया है, अब इसको एंटर प्रेस करते हुए यहां आ जाएंगे, हम परचेज अकाउंट ले लेंगे। अब यहां पर कोई आइटम हम बना लेते हैं, जैसे मैं यहां ले लेता हूं टाटा टी ले लिया हमने, एंटर प्रेस किया। यूनिट बना लेंगे हम, यूनिट, तो यूनिट हम यहां पे किलोग्राम बना रहे हैं, केजीएस, ठीक है, और किलोग्राम यहां दे देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, के प्रेस करूंगा तो यहां किलोग्राम आ जाएगा, यहाँ किलोग्राम चूज कर लीजिए और यहाँ पे 3 कर देता हूँ। पॉइंट में भी आप दे सकते हैं, जैसे आधा किलो अगर लेना हो तो, इस वजह से यहाँ 3 कर दिया है। बाय डिफॉल्ट अगर आप जीएसटी इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसी को ऐसे ही छोड़ देंगे, कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो आपने इनेबल करते वक्त, जीएसटी इनेबल करते वक्त जो टैक्स दिया था वही टैक्स इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ, वही टैक्स लगा लेते हैं, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे गोडाउन ऑप्शन चालू है, न्यू कॉलोनी गोडाउन में हम इसको रखेंगे, न्यू कॉलोनी गोडाउन ले लिया हमने, 50 किलो आइटम हम रखने वाले हैं यहाँ पे, 1 किलो की कीमत पड़ रही है हमें 455 रुपए, ठीक है। एंटर प्रेस किया और यहां पर आ गए। यहां पर आने के बाद अब हम डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट का एक हमें लेजर क्रिएशन करना पड़ेगा, तो यहां पर डिस्काउंट लगा देते हैं, यहां पर डिस्काउंट का एक लेजर क्रिएट कर देते हैं, डिस्काउंट एट द रेट 2%, ये लिख दिया 2% का डिस्काउंट हम दे रहे हैं, ठीक है। और ये किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, इसमें लगा दिया हमने और एंटर प्रेस किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है। अब ये कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, यहाँ 2% का डिस्काउंट देना है, लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ माइनस के साथ लिखना है, ये माइनस में 2% अपने आप आ जाएगा। ये देखिए यहां पर जैसे ही 2% लगाया तो 455 रुपए माइनस हो गए अपने आप, देख सकते हैं आप। अगर यहां पर 2% में नहीं लगाया होता, देखिए, तो यहां पर 455 रुपए ऑफ नहीं हुए होते, ठीक है। यहां पे अगर जीरो लिखता हूं मैं तो अभी देखिए एंड ऑफ लिस्ट करने पे यहां पे 22,750 रुपए आ रहा है, लेकिन अगर डिस्काउंट की बात करें तो यहां पर आकर के -2% का डिस्काउंट, माइनस तो लगाना ही पड़ेगा आपको क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अब देखिए 22,750 रुपए, अब देखिए 22,295 रुपए हो गए, 455 रुपए माइनस हो गए। अब इसको आप ऐसे ही करके एक्सेप्ट करा लीजिए, तो यानी इस तरह से लेजर क्रिएट करके भी हम डिस्काउंट लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आई होगी कि लेजर क्रिएट करके कैसे डिस्काउंट लगाया जाए, ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इससे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।